हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुधा। मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 3 फेदर फ्रेंड का सेकेंड वीडियो फेदर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फेदर, द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज कवर्ड विथ थिक फेदर्स, है ना। एक बर्ड जो है उसकी जो पूरी बॉडी है वो थिक फेदर्स से क्या रहता है, कवर रहता है, ढका हुआ रहता है ना। द फेदर्स कीप द बॉडी वार्म, लाइक जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, है ना, सर्दियों में तो हमारा बॉडी गर्म रहता है, वैसे ही इनका बॉडी जो है इनके फेदर्स से क्या रहता है, वार्म रहता है, बॉडी गर्म रहता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फेदर्स। अब ये फेदर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, है ना। सबका लंबाई और घना कोई कम है कोई ज्यादा है, यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। 3 टाइप्स के फेदर्स कौन कौन है? डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स और फ्लाइट फेदर्स। डाउन फेदर इट मीन्स दे आर फ्रिली एंड सॉफ्ट, दे कीप द बॉडी वार्म। ये जो होते हैं डाउन फेदर्स वो बहुत ज्यादा फरी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, एकदम छोटे साइज के होते हैं और ये बर्ड्स की बॉडी से चिपकी हुई रहती है जैसे, और इस बॉडी को गर्म रखती है। एंड नेक्स्ट है बॉडी फेदर, दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। बॉडी फेदर्स जो होता है ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, 3 टाइप्स के बॉडी फेदर्स, ये बर्ड के बॉडी को शेप देते हैं, आकार देते हैं। ओके, थर्ड है फ्लाइट फेदर्स, दिस फेदर्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल। ये देख के ही आपको लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग है, लंबे हैं और फुल ऑफ फेदर्स ये भरे हुए हैं, है ना। तो ये जो होता है ये कहाँ रहता है मेनली, ये रहता है विंग्स में, पंखों में बड़े बड़े, और ये टेल में, है ना, इनमें रहता है ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हेल्प द बॉडी टू फ्लाई, और फ्लाइट फेदर्स होता है इसका क्वालिटी है, गुण है कि ये बर्ड को हेल्प करने में, फ्लाई करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो फ्लाई करती हैं वो किस तरह से करती हैं, इसके भी 2 स्टेप्स है। फर्स्ट क्या है, अप स्ट्रोक एंड सेकेंड है डाउन स्ट्रोक। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, अपनी विंग्स से, ये विंग्स है इसकी हेल्प से वो फ्लाई करता है। द विंग्स ऑफ ए बर्ड मेक 2 मूवमेंट, नेमली द अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, 2 मूवमेंट करते हैं अप एंड डाउन, तो इनको 2 स्ट्रोक में डिवाइड किया गया है। द कंटिन्यूस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मूव द बर्ड बॉडी ऑफ ए बर्ड फॉरवर्ड, ए बर्ड यूजेस इट्स टेल टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। ओके, अब बर्ड्स जब अप डाउन कंटिन्यूअसली करती है तो इसके विंग्स मूव करते हैं और बर्ड का बॉडी जो है वो आगे की तरफ फ्लाई करता है, लेकिन जब उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना होता है तो उसमें उसका जो ये टेल होता है वो उसको हेल्प करता है। जब वो फ्लाई करते रहता है और दैट टाइम उसको डायरेक्शन चेंज करना है, मूव करना है, है ना, तो ये टेल उसको उसमें हेल्प करता है मूवमेंट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि बर्ड्स का ये 4 स्टेप दिखाया है, अप डाउन ऐसे करके बर्ड्स जो है इस मूवमेंट में फ्लाई करते रहती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ बर्ड कैन फ्लाई इजिली, अब बर्ड जो है इजिली कैसे फ्लाई करती है आराम से, हमें देखने में लगता है ना कि कितना आराम से वो लोग आकाश में उड़ते रहती है, उड़ती है ना। ए बर्ड्स बॉडी इज बोट शेप्ड, दिस हेल्प इट टू कट थ्रू द एयर इजिली। ओके, एक्चुअली बर्ड्स की बॉडी का शेप ही ऐसा होता है कि वो आराम से उड़ सकती है। कैसा रहता है, नाव के शेप में रहता है, जैसे पानी में नाव जो चलता है तो नाव पानी को चीरते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। लाइक दिस जब बर्ड एयर में फ्लाई करती हवा में, तो हवा को काटते हुए उसका बॉडी का जो शेप है नाव की तरह है, इससे उसको मदद मिलता है और वो आराम से उड़ सकती है। इट्स बोन आर लाइट एंड हॉलो, एंड दूसरा थिंग क्या है, बर्ड्स की जो बोन होती है वो हल्की होती है और उसमें छेद रहता है हड्डियों में, ओके, होल रहता है, जिससे उनका बॉडी लाइट रहता है और वो आराम से हवा में उड़ती हैं। दिस मेक इट बॉडी वेरी लाइट एंड स्टेबल फॉर फ्लाई, ओके।
बॉडी लाइट रहने की वजह से बर्ड्स जो है वो हवा में आराम से आकाश में उड़ सकती है। बर्ड हैज विंग इंस्टेड टू आर्म्स, और ये जो उसका बर्ड का जो विंग है वो उसकी हाथ के जैसा वॉक करता है। ओके, द विंग्स आर ज्वाइंट टू इट्स बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, और बर्ड्स के जो ये विंग्स हैं ये इसका मसल से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और ये क्या रहता है, ये इजी करता है उड़ने में। द मसल्स हैव द विंग्स टू फ्लैप अप एंड डाउन, आप देख रहे हो अप डाउन करके ये लोग फ्लैप करते हैं एंड ये क्या करते हैं आकाश में आराम से फ्लैपिंग करते हैं, घूमते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुधा, मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 3 फेदर्स फ्रेंड का 3 वीडियो लाई हूँ। सो लेट स्टार्ट, टूडेज आवर टॉपिक फ्लाइंग डिफरेंटली, है ना। बर्ड्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वे से फ्लाई करती हैं। ओके, डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई डिफरेंटली, बर्ड्स का टाइप अलग होता है और उसका फ्लाइंग का स्टाइल भी अलग अलग होता है। ओके, लाइक पिजन्स, सोवल, कैरन एंड गीज फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो बर्ड्स हैं ये लोग लंबी दूरी तक उड़ान भरती हैं, उड़ती हैं। एंड हैंड पीकॉक्स एंड ब्लैक फ्रैंकलिन फ्लाई ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस, और ये बर्ड्स जो हैं हैंस, आपने मुर्गी को देखा ही होगा, ये ज्यादा दूर नहीं उड़ पाती है, छोटे ही ऊंचाई तक उड़ती है और बैठ जाती है, नीचे आके जमीन में बैठ जाती है। एंड वॉल्चर, ईगल्स एंड इग्रेटा फ्लाई हाई अप इन द स्काई, अभी यहाँ एक और सेंटेंस आया हाई अप इन द स्काई, मतलब आकाश में ऊंची उड़ान तक ये लोग उड़ते हैं। कौन? वॉल्चर, ईगल्स, ये सारे जो बर्ड्स हैं बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं आकाश में। एंड स्पैरोज, बुलबुल एंड मिड वॉकल्स फ्लाई लो डाउन, और ये जो 3 बर्ड्स हैं ये लो डाउन, जस्ट लाइक हाई अप इन द स्काई, और ये लो मतलब आकाश में नीचे की उड़ाई ऊंचाई पर उड़ते हैं ये। एंड ऑस्ट्रिच, कीवी एंड इम्यू कैन नॉट फ्लाई, और ये जो 3 बर्ड्स हैं ये फ्लाई नहीं करती हैं, ये उड़ती नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बीक्स। अब डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स का हमने जाना कि फेदर अलग होता है, उनका बॉडी का डिजाइन भी अलग होता है, जस्ट लाइक इनके बीक भी अलग होते हैं, चोंच भी अलग होते हैं और इसका फंक्शन भी अलग होता है। यहाँ जो पिक्चर में दिख रहा है ये जो बीक है ये कैसा है, शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक है। शार्प मीन्स तीखा है, तेज है, जिससे ये अपना जो इनका जो फूड होता है, जो भोजन ये पकड़ती है उनको चबाती है इसी बीक की वजह से, क्योंकि तीख तो होते नहीं है इनके, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, इनके दांत नहीं होते हैं, दे हैव हार्ड बीक्स विच हेल्प देम टू कैच होल्ड एंड ईट फूड, बीक की मदद से ही ये क्या करते हैं अपना जो भी इनका भोजन होता है उनको पकड़ते हैं और उसमें पकड़ के रखते हैं बहुत देर तक, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको खाते हैं, है ना। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ये भी आपको पता है कि सारे बर्ड्स जो है अलग अलग फूड को खाती हैं, सो देयर बीक्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, इस वजह से इनके जो बीक होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं रिगार्डिंग इनके फूड स्टाइल, जो ये खाते हैं उसी की तरह इनका चोंच होता है। द टाइप ऑफ बीक टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ फूड ए बर्ड ईट, ओके, जैसा वो खाती हैं उसी के अनुसार उनके बीक होता है, और ये चिड़िया का जो बर्ड का क्वालिटी बताता है कि ये बर्ड जो है इस तरह का भोजन खाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड, हुक मीन समझ रहे हैं ना, इस तरह से फंसा हुआ जो रहता है, हुक किया हुआ। ओके, आप पिक्चर से भी देख रहे हैं चोंच नीचे की तरफ झुका हुआ है ना। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल एंड वॉल्चर्स हैव शार्प हुक बीक विच हेल्प देम टू टियर द एनिमल्स फ्लैश, ये हुक
की वजह से इनका शार्प रहता है और हुक्ड रहता है और स्ट्रांग रहता है। इसकी हेल्प से ये फ्लैश ईटिंग है यानी मांस खाने वाली है, तो ये जो भी अपना फूड को पकड़ती है उसको फाड़ती है, टियर मीन्स फाड़ देती है इन्हीं चोंच की मदद से, क्योंकि ये नोकीला है इनका, इससे ये अपने फूड को फाड़ के फिर उसको खाती है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक, है ना। ये देखिए, ये आप थ्री पिक्चर्स देख रहे हैं, इनका शॉर्ट है, छोटा चोंच है बट हार्ड है। ओके, और हॉर्नी बीक से, ये भी डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स का है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है, पिजन, स्पैरो, पीकॉक एंड हैंड आर सी रीटर। इस तरह के चोंच वाले बर्ड्स जो हैं, इसका मतलब है ये लोग जो है सीड खाने वाले हैं, है ना, बीज अनाज जो जमीन पर पड़ा रहता है उसको ये चॉप करके खाते हैं। दे आर शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स हेल्प देम टू क्रश सीड एंड ग्रेन्स, क्रश कर देती है उसको, चूर करके उसको धीरे धीरे खाती है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुधा, मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 3 का 4th वीडियो लाई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। कर्व बीक, ए पैरट हैज ए कर्व बीक दैट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। पैरट का बीक जो होता है वो कर्व शेप में होता है, देख के भी आपको लग रहा होगा कर्व शेप ऐसे झुका हुआ है, इसलिए होता है क्योंकि पैरट है इसको नट्स पसंद होते हैं और हार्ड फ्रूट्स लाइक गुआवा, हार्ड फ्रूट इसको ज्यादा पसंद होता है तो, और नट्स, तो इसलिए इसका बीक जो है वो हार्ड है ना। टू ब्रेक बीक ऑल्सो हेल्प्स इट टू क्लाइम, एंड आपने इसको पिंजरे में देखा होगा, ये बीक की हेल्प से ही अपने पिंजरे में ऊपर नीचे ये करता है, या डालियों पर ब्रांचेस में भी ये अपने बीक की मदद से ऊपर चढ़ता है। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग एंड सैलेंडर बीक। लॉन्ग, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, लुक एट हियर, ये लॉन्ग बीक है। ओके, ए हुक हैज ए लॉन्ग एंड सैलेंडर बीक, इट हेल्प्स इट टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन द ग्राउंड। इस टाइप के बीक जो के जो बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को ग्राउंड के जमीन के नीचे मतलब इससे होल कर देती है ना, और वहां से ढूंढ के कीड़े मकोड़ों को निकाल के खाती है। नेक्स्ट है बोर्ड एंड शॉर्ट बीक, है ना, ये बीक देख के आपको लग रहा होगा ना छोटी सी है बट चौला बुक है इसका चोंच है। द बीक ऑफ ए सैलो इज ए बोर्ड शॉर्ट एंड इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, है ना? ये जो बीक है सैलो बर्ड का, ये छोटा रहता है बट शॉर्ट भी रहता है, लेकिन अंदर से ये स्टिकी रहता है। वेन द सैलो फ्लाइज इन द एयर विथ इट्स बीक ओपन, टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट गेट स्ट्रक इनसाइड इट्स माउथ। स्टिकी होने की वजह से क्या होता है कि सैलो बर्ड जो है छोटी चिड़िया होती है, और जब ये आकाश में फ्लाई करती है और दैट टाइम क्या होता है इसका बीक जो है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और उसमें तीन छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो हवा में उड़ते रहते हैं वो आके इसके माउथ में चिपक जाते हैं, बिकॉज इसके जो बीक है वो अंदर से स्टिकी होते हैं तो उसमें चोंच में चिपक जाता है आके। स्ट्रॉन्ग एंड टिसल शार्प्ड बीक, वुड पिकर्स जो होती है उनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और टिसल शार्प्ड होती है, बिकॉज ये क्या करती है पेयर ट्रीज एंड टेक आउट इंसेक्ट्स, ये पेड़ के बार्क में जो छाल में जो कीड़े मकोड़े छिपे होते हैं उनको निकाल के ढूंढ के उसको खा जाती है। ओके, नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, लुक एट हियर, ये डक है और डक का जो बीक होता है ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है, फ्लैट में यहाँ देख करके लग रहा होगा, बिकॉज ये क्या है स्विमिंग बर्ड है इस कारण।
A duck's beak is special. It dips in muddy water with insects and small plant in its flat beak. Duck जो है duck का ही सिर्फ special beak रहता है because ये muddy water में कीचड़ वाले पानी से क्या चुनती है insects को खाती है और छोटे छोटे plants को अपने flat beak से दबाकर निकालती है. The mud and water flows down through the tiny holes in the beak, leaving plants and insects in the mouth. Actually, यहाँ duck का जो beak है यहाँ पर holes दिख रहे हैं ना. तो mud में जब ये अपना beak को डालती है तभी वहां उससे क्या करती है उससे चुनती है प्लांट्स छोटे छोटे और इंसेक्ट्स को अपने मुंह में डाल लेती है ना. और ये टिनी होल्स जो है इसके चोंच के ऊपर इससे इसको पानी के अंदर जो भी कीचड़ वगैरह आता है सारा पानी निकल जाता है और इसके माउथ में इंसेक्ट्स आ जाते हैं. नेक्स्ट है शार्प पॉइंटेड बीक. ये देखने से ही बहुत शार्प लग रहा है और पॉइंटेड है नुकीला है ना. किंगफिशर्स एंड हॉर्न्स आर फिश ईटर्स. मछली खाती हैं ये लोग है ना. पानी से मछली चुन चुन के खाती हैं इसलिए इनके चोंच लंबे हैं और इनके गर्दन भी लंबी होती है पैर भी लंबे होते हैं. दे हैव शार्प पॉइंटेड बीक्स. दे डार्ट इनटू द वाटर एंड कैच फिश विद देम है ना. पानी में ये खड़े हो जाते हैं और वहां से अपने लंबे चोंच को पानी के अंदर डुबो के मछली को पकड़ती हैं, ओके और उसका. थैंक यू. हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुधा. मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 3 का 5th वीडियो लाई हूँ. सो स्टार्ट नाउ. फीट एंड क्लाउस. Birds have 2 feet with 4 clouds toes. है ना. यहाँ पर birds के जो हैं feet 2 feet होते हैं और इनके toe clouds इसको बोला जाता है. ये कितने होते हैं 4 होते हैं 3 front में और 1 back side में. Mostly 3 toes point to the front and a shorter toe points backward. एक आपको दिख रहा है एक पीछे में है और 3 जो है लंबे लंबे टो आगे हैं और एक पीछे है जो छोटा रहता है शॉर्टर रहता है. द शेप एंड साइज ऑफ ए बर्ड्स फीट एंड क्लाउस डिपेंड्स ऑन वेयर इट लीव्स एंड व्हाट इट ईट्स. वन थिंग यहाँ बर्ड्स का शेप एंड साइज इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका क्लाउस है ना और वो किस तरह का खाना खाती है ये भी डिपेंड करता है और वो कहाँ रहती हैं, ओके. अगर बर्ड छोटी है तो टो भी जाहिर है कि छोटा ही होगा हा? और वो अगर ग्रेन्स खाती हैं तो छोटे छोटे टोज रहेंगे उनके और अगर वो एनिमल्स या उनका मरा हुआ खाते हैं तो उनके टोज नुकीले होंगे शार्प होंगे, ओके. वो हम लोग आगे देखेंगे. द क्लाउज ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू कैच and eat food and gives protection against enemies. इन toes की help से वो क्या करते हैं जो भी खाना उन्हें मिलता है उनको catch करती है पकड़ती है. First of all beak then toes. पहले तो beak में उठाता है कुछ भी birds जो है then उसके बाद जब उसको लगता है कि अब वो उसको खाना है और तो वो क्या करती है चोंच से निकाल के अपने इन toe में दबा लेती है और देखती है उसको protection है कोई भी उसका अदर बर्ड उसके फूड को छीन ना ले खा ना ले ये भी ध्यान रहता है उनको. देयर फीट हेल्प देम टू स्टैंड एंड वॉक एंड अनदर थिंग इन पैर की मदद से फीट की मदद से वो चल सकते हैं वॉक कर सकते हैं ये सारे काम करते हैं बर्ड, ओके. प्रीचिंग बर्ड्स. वन थिंग प्रीचिंग बर्ड्स किसे कहते हैं. Birds like crow, myna, sparrow take rest on branches. Preaching birds उस तरह की birds हैं जो branches पर जिस पेड़ पर रहती हैं उनकी डालियों पर ही ये
रेस्ट करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, उनमें कौवा, मैना, स्पैरो ये सारी बर्ड्स हैं। दे आर कॉल्ड प्रीचिंग बर्ड्स। इन बर्ड्स को प्रीचिंग बर्ड्स कहते हैं। व्हाई? बिकॉज ये इन ब्रांच पर, पेड़ की ब्रांच पर ही रेस्ट करते हैं, सोते हैं, इन कारण इन्हें प्रीचिंग बर्ड्स कहते हैं। और इनके टो जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दे हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। अदर बर्ड्स की तरह इनके भी क्या है, थ्री फ्रंट में है और एक बैक में है। द बैक टो कर्ल्स अराउंड द ब्रांच सो द बर्ड डजंट फॉल ऑफ व्हाइल स्लीपिंग। और ये लास्ट वाला बैक वाला जो टो रहता है छोटा है, बट ये कर्ल शेप में रहता है, और इससे क्या होता है, इस टो की हेल्प से वो ब्रांच को जिस डाली पर बैठती है उसको अच्छे से पकड़ के रखती है, ताकि वो जब सोते रहे तो नीचे ब्रांच से नीचे वो ना गिरे। इन बर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रीचिंग बर्ड्स, ये याद रखिएगा। ओके, इनमें कौन सी बर्ड्स आते हैं, क्राउ, मैना, स्पैरो। ओके, नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स, है ना, ये पैरोट, इसको क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स लाइक वुड पिकर एंड पैरोट हैव टू टोज इन फ्रंट एंड टू एट द बैक। लुक एट हियर, ये पैरोट है एंड वुड पिकर जो होती है उनकी दो आगे और दो पीछे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्लाइंबिंग बर्ड्स कहा जाता है। बिकॉज इनकी फूड हैबिट भी इसी तरह की है, क्योंकि ये हार्ड चीजों को खाते हैं। ओके, एंड वुड पिकर के बारे में तो आप जानती हो, वो लकड़ी को छेद करके उसमें घोंसला भी बनाती है, उसका नेचर ही रहता है, इसलिए उसका नाम ही है वुड पिकर। ओके, तो उसके अनुसार इनके चोंच भी रहते हैं, बीक भी रहते हैं, एंड इनके पैर के टो भी उसी के अनुसार रहते हैं। दिस हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड सीलिंग ऑन टू ट्रीज, है ना, इसकी हेल्प से ये क्या करती हैं, इनकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ती हैं, है ना, क्लाइंब करती हैं, चढ़ती हैं। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैच करना, खड़ोचना जिसको कहते हैं, वो कौन सी बर्ड्स हैं, हैंस हैव स्ट्रॉन्ग लैंग विथ थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन टो एट बैक। अदर की तरह हैंड का भी है, थ्री फ्रंट में एंड वन बैक में, और इनके जो लैग होते हैं वो बहुत काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बिकॉज ये प्रीचिंग करते हैं पैर से अपने, आप पिक्चर में देख रहे हो, खरोंचती हैं जमीन को और वहां से जो इनको इनके खाने की चीज मिलती है वो उनको खाते हैं। देयर टोज हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज विच हेल्प टू देम टू सर्च द ग्राउंड एंड ब्रिंग आउट इंसेक्ट्स एंड बरीड सीड्स, है ना, इनके टोज की हेल्प से ये जमीन में खुरचती हैं और वहां से जो भी इनको खाने के इंसेक्ट्स और सीड्स वगैरह मिलती हैं उसको वो बड़े आराम से क्या करती हैं, खाती हैं। ए पीकॉक ऑल्सो डिगिंग आउट फूड यूजिंग इट्स क्लाउज। एंड हैन के अलावा और कौन है, पीकॉक है जो अपने क्लाउज का यूज करते हैं डिग करने के लिए, खोदने के लिए जमीन को, और वहां से वो इंसेक्ट्स और ग्रेन्स वगैरह जो भी उन्हें मिलती है उनको वो खाते हैं। आई थिंक अब आज आपने फिट्स एंड क्लाउज के बारे में एंड अदर बर्ड्स के बारे में, किस तरह से वो उनके क्लाउज होते हैं, किस तरह से वो खाना खाते हैं, इन सबको बारे में आपने अच्छे से सीखा होगा। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुधा, मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 3 का 6th वीडियो लाई हूँ। ओके, सो लेट स्टार्ट। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, वैसी बर्ड्स जो मांस खाती हैं। आउल एंड ईगल्स आर हंटर। आउल एंड ईगल्स जो है ये हंटर हैं, शिकार करते हैं और खाते हैं। दे हैव शार्प क्लाउज कॉल्ड टैलन्स। और इनके जो क्लाउज होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, बिकॉज ये हंटर हैं, अपने जो फूड होता है उनको बहुत तेजी से कैच करती हैं, पकड़ती हैं, इसलिए इनका जो ये पैर की उंगलियां, टोज जो है वो बहुत शार्प होती हैं। टैलेंस हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड ऑन टू लाइव प्रे लाइक टोड्स, रैट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। आउल और ईगल्स जो होते हैं वो
जो आप इनका प्रे होता है, भोजन होता है, वो तो जिंदा रहता है और छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं तो उनको इन्हीं अपने पंजों में पकड़ के रखता है तब तक जब तक वो मर नहीं जाए, उसके बाद वो उनको खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स में कौन आता है? डक है ना, और बहुत सारी बर्ड्स हैं। वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान हैव वेब फीट। डक एंड स्वान का जो ये पैर होता है वो वेब फीट होता है, वेब्ड होता है, ताकि इनको चलने में, पानी के अंदर और कीचड़ में चलने में वेब फीट की वजह से क्या होगा, आसानी होगा। दे हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन टो एट द बैक। अदर बर्ड्स की तरह इनके भी थ्री टोज आगे हैं और एक बैक साइड में है। द फ्रंट थ्री टोज आर ज्वाइंड बाय स्किन वेब्स इन बिटवीन देम। और फर्स्ट थ्री टोज जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो वेब शेप में, वेब फिट का इनका वर्क जो है पानी में और कीचड़ में चलना, उसमें इनको आसानी होती है। बट अदर्स बर्ड्स का ये स्किन यहाँ नहीं रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता, अलग अलग रहता है। ओके, सच एज ए वेब वेब्ड फुट एक्ट्स लाइक ए पैडल। ओके, आपको पहले से पता है वेब फिट है तो ये पैडल की तरह इनका पैर जो है काम करता है पानी के अंदर। दिस वर्ड यूज देयर वेब्ड फीट टू फ्लश द वॉटर वेल स्विमिंग। ओके, और ये जो है, ये बर्ड्स जो है जब पानी में इनका पैर रहता है तो ये वॉटर को क्या करते हैं, पुश करती हैं पानी के अंदर और तैरती रहती हैं, है ना, पानी को पुश करती हैं और आगे बढ़ती हैं, स्विम करती हैं, तैरती हैं। नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। कैरन हेरन आर वेडिंग बर्ड्स। दे हैव लॉन्ग लेग्स सो दैट दे कैन वॉक इन शैलो वाटर विदाउट गेटिंग वेट, है ना। वेडिंग बर्ड्स इनको कहा जाता है बिकॉज इनकी जो लेग्स है वो बहुत लंबे हैं, है ना, और ये पानी में क्या ढूंढती है, मछली, छोटी मछलियों को ढूंढ के खाती हैं, इस कारण इनका जो है पैर लंबा रहता है, और ये इसलिए लंबा रहता है ताकि इनका बॉडी जो है वो पानी में भींगे नहीं और ये आराम से क्या करें, पानी में टहले, घूम टहल के या जैसे भी हो अपना भोजन ढूंढती है। दे हैव स्प्रेड आउट टोज एंड दैट हेल्प्स देम वेड थ्रू मडी वाटर। और इनके पैर जो रहते हैं स्प्रेड रहते हैं, फैले फैले रहते हैं, है ना, टोज जो रहता है एक से दूसरे से अलग अलग रहता है फैला हुआ, ताकि ये मडी कीचड़ में फंसे नहीं, है ना, कीचड़ में, पानी में, सब जगह ये चलती है ना, तो इसमें इनको प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ कुछ क्वेश्चन है क्विक शॉर्ट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका आंसर यहाँ करना है आपको। द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज कवर्ड विद फिन्स। ये रॉन्ग है क्योंकि बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो फेदर से ढकी हुई होती है। डाउन फेदर आर सॉफ्ट एंड फरी। ओके, ये ट्रू है। बर्ड्स हैव टू आर्म्स, है ना, टू आर्म्स होती है बर्ड के। कीवी बर्ड्स फ्लाई द हाईएस्ट। ये रॉन्ग है, कीवी बर्ड फ्लाई नहीं करती है। ए वुड कीपर हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शार्प बीक। ये भी सही है क्योंकि वुड पीकर का जो होता है वो बीक जो होता है वो शार्प होता है, इसी की मदद से वो क्या करते हैं, इसी की मदद से वो लकड़ी में घर बनाते हैं, लकड़ी पेड़ को खोद के। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 3 का 6th वीडियो लाई हूँ। इसमें हम न्यू टॉपिक नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बर्ड्स के बारे में, उनके फेदर्स एंड उनके फुट एंड उनके टोस के बारे में जाना, बीक के बारे में जाना, अभी नेस्ट के बारे में कि नेस्ट उनका कैसा रहता है, क्योंकि
डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के नेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. बर्ड्स जो है वो अंडे देने के लिए, जब उनका अंडे देने का टाइम होता है दैट टाइम सी प्रिपेयर नेस्ट, है ना. बर्ड्स चूज ए प्लेस फॉर मेकिंग देयर नेस्ट केयरफुली. और घोंसला बनाने से पहले वो अपना देखती है कि वो जो प्लेस है वो अच्छा होना चाहिए, है ना. ए नेस्ट हैज टू बी सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर. मेन थिंग यही है, घोंसला बनाने से पहले वो अच्छे से चेक करती है कि घोंसला ऐसे जगह पर हो जहां उनके शत्रु उन पर हमला ना करें और बैड वेदर यानी खराब मौसम हो, बारिश हो, इस बीच में उनके घोंसले को कोई नुकसान ना हो. ओके. बर्ड्स यूज डिफरेंट थिंग्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. एंड घोंसला बनाने के लिए वो अलग अलग बर्ड्स जो होती है अलग अलग चीजों को चुनती हैं. ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन थ्रेड, फेदर, वूल, हेयर, पेपर, पेबल्स एंड इवन मॉड आर यूज टू बिल्ड ए नेस्ट. इन सारी चीजों से, सूखे घास है ना, पत्तियां, कॉटन, कपड़े हो गए, थ्रेड हो गए, धागा जो हम लोग कभी इधर उधर फेंक देते हैं, फेदर पंख जो रहते हैं उनके, वूल है ना, और हम हमारे बालों से भी वो अपना घोंसला बनाते हैं. इवन कि वो पेबल्स से भी, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर से भी, मड से भी अपना घोंसला को प्रिपेयर करती है. ए लीनिंग ऑफ सॉफ्ट थिंग मेक द नेस्ट कंफर्टेबल फॉर द बेबी बर्ड्स. और वो ध्यान रखती हैं कि वो कुछ सॉफ्ट चीज को रखें जिससे वो बेबी बर्ड्स जो आने वाली है वो आराम से उस घर में रह सके. ए नेस्ट होल्ड द एग्स क्लोज टूगेदर सो दैट दे कैन बी केप्ट वार्म. एंड और नेस्ट बनाती है, फिर अंडे देती है और उसको अंडे को क्या करती है, वो वार्म करती है, उस पर बैठती है. देन जब वो वार्म होता है काफी टाइम के बाद, उसके बाद उससे हैच होता है अंडे से और बर्ड्स, न्यू बेबी बर्ड्स उससे निकलती हैं अंडे से. ओके. बर्ड्स हैव वेरी क्लेवर वेज टू बिल्ड नेस्ट. इन सब वजह से बर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घोंसले को बनाती है ताकि उनको कोई डिफिकल्टीज ना हो. दे बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेस. वो अपने घोंसले को कहीं भी बना लेती हैं. ऐसा नहीं है कि पेड़ में ही बनाना, वो हम लोग के घर में भी बनाती हैं कुछ बर्ड्स, तो अगर उनको सेफ प्लेस मिले. यूजुअली द नेस्ट आर बिल्ड हाई अप इन द ट्री बट दे कैन बी बिल्ड इन वॉल्स, क्लिफ्स, बिल्डिंग्स एंड इवन ऑन द ग्राउंड. बर्ड्स ये हमेशा ध्यान रखती है कि उनका घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर हो, है ना, ताकि उनके जो शत्रु हैं, जो उनका नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचे. और क्या कहां बनाती है, वॉल्स में, दीवार में भी बनाती है एंड क्लिप्स. क्लिप्स होता है चिमनी जिसको कहते हैं. आज के टाइम में नहीं है बट ओल्ड टाइम में वो रसोई घर में बनाया जाता था, उसमें भी वो बना लेती है. और कभी कभी ग्राउंड में भी, कुछ बर्ड्स जो है ग्राउंड में भी बनाती है. वो अदर बर्ड है, सारी बर्ड्स नहीं. लेट अस लर्न अबाउट द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स. अभी हम बर्ड्स किस तरह से घर बनाती हैं इसके बारे में देखेंगे. नाउ स्पैरो एंड पिजन्स विच टाइप्स मेक देयर नेस्ट. मेक नेस्ट इन वेंटिलेटर्स, कॉर्नर ऑफ वॉल्स, ट्रीज और एट एनी सेफ प्लेस दे कैन फाइंड. स्पैरो बर्ड्स जो है घरेलू चिड़िया होती है और पिजन भी, वो ह्यूमन बींग से ज्यादा करीब रहती है. तो ये लोग हमारे घरों में वेंटिलेटर्स और दीवार के कॉर्नर में जहां इनको सेफ प्लेस मिलता है वहां ये बना लेती है. बुलबुल. बुलबुल बर्ड्स बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन हेज, बुशेस एंड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्रीज. बुलबुल बर्ड्स जो है ये ज्यादातर अपने घोंसले को पेड़ पर और ब्रांचेस में बनाती है, पेड़ के ब्रांचेस में, झाड़ियों में भी कभी कभी बनाती है. द नेस्ट इज डीप इन द शेप ऑफ ए कप एंड प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम फॉलिंग डाउन. और जितनी भी बर्ड्स घोंसला बनाती हैं तो घोंसले का जो शेप रहता है वो कप के समान रहता है, गहरा, ताकि
घोंसले से अंडा जो है वो बाहर ना गिर सके, है ना, ये ध्यान रखती हैं बर्ड्स। वीवर बर्ड, ये बेहद ही फैंटास्टिक बर्ड है और इसका घोंसला भी बहुत खूबसूरत है। वीवर बर्ड्स वेव्स इट्स नेस्ट विथ ट्यूब एंड ग्रास, ये अपने घोंसले को ट्यूब एंड ग्रास से बनाती हैं। इट वेव्स द ग्रास इन एंड आउट रिपीटेडली, ये एक वेव की तरह गोलाकार में ही ये राउंड राउंड करके बार बार घुमा घुमा के अपने घोंसले को रिपीटेडली घुमा घुमा के बनाती हैं। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, द बर्ड इंटर्स द नेस्ट थ्रू ए टर्नल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट, और इसका घर जो है वो कैसा रहता है, एंट्री अलग रहती है और उसके अंदर में टर्नल बना हुआ रहता है लाइक टर्नल, और नीचे में वो खाने पीने की चीज रखती है और ऊपर में वो क्या करती है, अपने अंडे को देती है, है ना, बहुत ही सेफली बनाती है बीवर बर्ड। सिंस द नेस्ट हैज ए बेंड इनसाइड इट द एग डू नॉट फॉल डाउन, और मैंने पहले बताया आपको ये ऊपर में अंडे देती है और नीचे में जरूरी कुछ ऐसे ही रखती है सामान जो बर्ड्स का यूज का होता है लाइक ग्रेन्स वगैरह, तो क्या करती है बैंड कर देती है, ऊपर में बैंडिंग कर देती है ताकि नीचे अंडा ना गिर सके। दिस बैंड हेल्प द बर्ड टू प्रोटेक्ट इट्स एग फ्रॉम द स्नैक, ये इनको बचाता है सांप से अपने अंडों को। ओके, थैंक यू। हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुधा, मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से चैप्टर 3 का 7th वीडियो लाई हूँ। सो लेट स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक है वुड पिकर किस प्रकार अपने घोंसले को प्रिपेयर करता है। वुड पिकर पिक्स ए होल इन ए ट्री ट्रंक टू मेक इट्स नेस्ट, लुक एट हियर, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पेड़ में ये क्या करता है, पेड़ के ट्रंक में ये अपने चिसल बिक से छेद करके यहाँ घोंसला बनाता है होल करके। द होल इज लिंट विथ फाइन चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट्स कूजी एंड वॉर्म, और पेड़ भी जो ये चुनता है वो ट्रंक जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत मोटा रहता है, लकड़ी वाला रहता है ताकि उसमें इसका जो अंडा है वो सेफली रहे और गर्म रहे। ओके, नेक्स्ट टेलर बर्ड, टेलर बर्ड नाम से ही पता चल रहा है, टेलर यानी स्टिचिंग करने वाला, तो ये बर्ड भी स्टिचिंग करती है। स्टिचेस लीप्स टुगेदर विद वूल और थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर वेब्स, ये बर्ड जो है ये दो बड़े पत्तों को लेती है और इसमें स्टिच करती है, किससे, थ्रेड से, वूल से एंड स्पाइडर के वेब से भी ये क्या करती है, स्टिच करती है। इट यूज इट्स बीक एज ए नीडल, और इसका जो बीक है, चोंच है, वो सुई के जैसा वर्क करता है इनको सिलने में। द नेस्ट इज मेड कूजी विथ कॉटन वूल हेयर और ग्रास, और दो पत्तों को सिलने के बाद इसके अंदर इसको सॉफ्ट रहने के लिए क्या करती है, कॉटन डालती है और वूल डालती है और हेयर एंड ग्रास, ये सारी चीजें डाल के इसको कूजी बनाती है, सॉफ्ट बनाती है ताकि अंडे इसमें अच्छे से वॉर्म हो। वॉल्चर एंड ईगल्स बिल्ड अनटाइडी नेट्स इन टॉल ट्रीज, अनटाइडी इट मींस अच्छा घर नहीं रहता, उतना सॉफ्ट भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, क्या करती है एक लंबे पेड़ पर दे गैदर ए फ्यू स्टिक्स एंड सिंपली पुट देम टुगेदर इन द शेप ऑफ ए सैलो कप, है ना, कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करती है, ट्विग्स को, सूखी लकड़ियों को, और एक कप के शेप में बना लेती हैं, बस ज्यादा इतना कुछ ये नहीं करती है, उसमें अंडे दे देती हैं। किंगफिशर बोरोज ए होल इन द बैंक ऑफ रिवर एंड यूज इट एज इट्स नेस्ट, किंगफिशर जो है वो क्या करती है, नदी किनारे ही होल कर लेती है और उसमें ही अपने घोंसले को बना के अंडे देती है। पेंगुइन मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स, पेंगुइन एक ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला किससे बनाती है, पेबल्स से, छोटे छोटे पत्थरों से। सिंस इट लिव इन ए वेरी कोल्ड प्लेस, इट इज नॉट
easy to find twigs, grass or straw there. It simply collects the pebbles and stones to make a nest on the ground and lay eggs on it. Okay, ये क्या करती है? Pebbles से घर बनाती, घोंसला बनाती है, because वहाँ बहुत ठंडा place रहता है और वहाँ घास वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए ये simply क्या करती है? Stone वगैरह को collect करती है जमीन के पास और वहीं पर अपने अंडे दे देती है. Now we know about paradise bird. Paradise chooses a shallow hole in the ground which is surrounded by tall grass. Paradise भी different type की bird है और ये क्या करती है? Ground के नीचे hole ढूंढती है जहाँ shallow hole मिलता है इनको और उस place पर जहाँ पर लंबे लंबे घास रहते हैं वहीं पर वहीं आसपास में वो एक hole बना लेती है. It lines the hole with grass and leaves to make the nest choosy. और वो घास और पत्तियों से ही अपने घोंसले को अच्छे से प्रिपेयर करती है. ओके, नेक्स्ट है, डिड यू नो कुकू बर्ड्स इज ए लेजी बट क्लेवर बर्ड. कोयल जिसको कहते हैं हम लोग, वो ऐसी बर्ड है, बहुत चालाक है और बहुत आलसी है. इट डजंट बॉदर टू मेक ए नेस्ट, और ये घर बनाने का बोझ नहीं उठाती है. तो ये क्या करती है? इट क्वेंटली लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड्स लाइक ए क्रॉप्स नेस्ट वेयर द एग्स लुक सिमिलर टू इट ऑन एग्स. ये क्या करती है कोयल? बड़ी चालाकी से अपने अंडे को कौवे के घोंसले में दे देती है, बिकॉज कौवा भी काला रहता है और कोयल भी काली रहती है और इनके अंडे भी सिमिलर होते, एक जैसे ही होते हैं. थोड़ा सा बड़ा होता है कोयल से कौवा, बट अंडे जैसे एक जैसे ही रहते हैं. द मदर क्रॉ डजंट रियलाइज व्हाट हैज हैपेंड एंड लुक्स आफ्टर द कुकूज एग लाइक इट्स ओन टिल दे हैच. तो कौवा जो होता है वो जरा भी पहचान नहीं पाता कि मेरा अंडा है या नहीं. वो कोयल के अंडे के को भी उतनी ही देखभाल करता है और जब तक कि वो हैच नहीं हो जाता है. एंड उसके बाद क्या होता है? कोयल निकलती है. ओके, आई थिंक आपको बर्ड्स के नेस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू. हेलो चिल्ड्रंस, आई एम सुधा और मैं आपके लिए न्यू साइंस प्लस क्लास 3 से साइंस चैप्टर 3 का 8 वीडियो लाई हूँ. ओके, ये लुकिंग आफ्टर द यंग वंस. अभी तो बर्ड ने अपने अंडे दिए, घोंसले बनाए, अब ये अपने बच्चे की देखभाल कैसे करती है इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना. लाइक अदर क्रिएचर बर्ड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. अदर जैसे भी जीव जंतु हैं, जितने भी हैं, जैसे अपने बच्चे की देखभाल करते हैं बर्ड पेरेंट्स भी, वो लोग भी अपने बच्चे की वैसे ही देखभाल करते हैं. आफ्टर ए मदर बर्ड ले एग्स द पेरेंट्स टेक टर्न टू सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म. मदर बर्ड जब अंडे देती है तो उसके बाद पेरेंट्स बर्ड जो है, माता पिता जो है बर्ड के, दोनों वन बाय वन क्या करते हैं? अंडे को वार्म करते हैं. दे ऑल्सो ट्राई टू कीप एनिमीज अवे, एंड क्या करते हैं? देखभाल करते हैं ताकि कोई दुश्मन उनके अंडे को गिरा ना दे, खा ना ले. When one parent sit on the eggs, the other go out to find food. Okay. पहला जो parents होता है, बर्ड होते हैं, मम्मी अगर अंडे पर बैठती है, हैच गर्म करती है, तो जो बर्ड्स के पापा होते हैं वो क्या करते हैं? खाना ढूंढ के लाते हैं, है ना? फिर पापा बैठते हैं, देन मदर क्या करती है? फूड फाइंड करके लाती है. द बेबी कीप्स ग्रोइंग इन साइड द एग, एंड इस तरह से बच्चा जो है वो एग के अंदर ग्रो करता है. इट फीड्स ऑन द यॉक अराउंड इट. व्हेन इट इज फुली ग्रोन इट ब्रेक्स द सेल एंड कम्स आउट. एंड जब ये वॉर्म हो जाता है पूरी तरह से और अंदर बच्चा बन जाता है तो ये क्या करता है? अंडे के सेल को तोड़कर बाहर आ जाता है. यंग बर्ड्स आर वेरी वीक, दे हैव नो फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड. ओके, बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो जब जन्म लेते हैं तो उनके
फेदर्स नहीं रहते हैं एंड आईज भी उनकी क्लोज रहती है। दैट टाइम पेरेंट्स को बहुत देखभाल करनी पड़ती है बच्चे की। पेरेंट्स बर्ड फीड देम एंड टेक केयर ऑफ द बेबी बर्ड्स टिल दे लर्न टू फ्लाई। एंड तब तक वो बच्चे की हेल्प करते हैं, उनको खाना वगैरह सब कुछ कराते हैं जब तक बच्चा जो है वो बर्ड जो है फ्लाई करना नहीं सीख जाता। व्हेन द बर्ड फ्रीमली डजंट नीड द नेस्ट एनी मोर दे लीव द नेस्ट। जब बर्ड्स का जो बच्चा है बेबी बर्ड है वो अच्छे से फ्लाई करना सीख जाता है, उड़ना सीख जाता है, दाने चुगना सीख जाता है, खाना सीख जाता है, देन पेरेंट्स जो है बेबी बर्ड्स के पेरेंट्स उनको घोंसले की जरूरत नहीं होती है एंड वो क्या करते हैं घोंसला छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, है ना। और बेबी बर्ड जो है वो फ्लाई करना सीख गया तो वो भी अपनी दुनिया में क्या होता है मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है। Now you know all about the birds' nest and their babies. So if you see a nest with eggs in it, do not touch it. अभी आपने birds के बारे में सारी कुछ बातें जानी, birds कैसे उड़ता है, then कैसे खाना खाता है, कैसे घोंसले बनाता है and कैसे अंडे को hatch, अंडे को warm करता है, then अंडे से baby birds निकलता है। तभी एक चीज आपको और जानना है कि जब भी कहीं आप अपने आसपास में कोई घोंसला देखें एंड उसमें अंडे को देखें तो आप उसको टच नहीं करना, बिकॉज तब वो बर्ड उसको वार्म नहीं करती है। ओके, सून यू विल सी लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट, वॉच देम ग्रो एंड एंजॉय। अगर आपके आसपास में ऐसी कोई बर्ड्स है जो अंडे दी है तो आप उनको दूर से देखो एंड बर्ड को ग्रो करते हुए देख के एंजॉय करो। ओके, आई थिंक मैंने आपको चैप्टर 3 को अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू।